मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हाईफाई वार्ड पर शुक्रवार को बहस के बाद शनिवार को सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके झूठे वादों से डिफॉल्टर बन चुके किसानों को राहत दूं, फसल खरीदूं, फसल बीमे से नुकसान का भुगतान करूं, छात्रों को प्रोत्साहन दूं, बेटियों का कन्यादान करूं, स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण दूं या फिल्मी सितारों का मजबा लगाकर तमाशा रचाऊं। कमलनाथ जी, हमें जनता का निर्णय शिरोधार्य होगा। तो वहीं इसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने भी एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शिवराज जी, जनता ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन आपको जनता का निर्णय कहाँ शिरोधार्य हुआ? सौदेबाजी से लोकतंत्र की हत्या करके जनादेश का अपमान करके हमारी सरकार बीच में गिरा दी। आपकी सरकार में प्रदेश की पहचान माफियाओं और मिलावटखोरों से थी। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी आईफा वार्ड को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ आपस में भिड़ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।